ये साल 2022 का आखिरी वीडियो होने वाला है। आज हम आपको वृंदावन धाम दिखाएंगे, एक ही वीडियो में सारे मंदिरों के दर्शन आपको कराएंगे। पूरा का पूरा वृंदावन आपको इस एक वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और घंटी वाला आइकन बजा देना, ताकि लेटेस्ट वीडियो आपके पास में आ सके। ये वीडियो हमारे चैनल का भी आखिरी वीडियो होने वाला है, और जैसे जैसे हम आपको मंदिर दिखाते जाएंगे उसकी एक वीडियो हम आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, तो आप उस मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी वहाँ से ले सकते हैं। क्योंकि एक एक मंदिर के अंदर जा करके अगर आपको दिखाया हमने तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी, और हमारे पास इतना वक्त नहीं है। तो हम मंदिर के बाहर से आपको पूरा बताएंगे और उस मंदिर का नाम वगैरह बताएंगे, और डिस्क्रिप्शन में आप जा करके देखेंगे तो उस मंदिर की आपको पूरी वीडियो देखने के लिए मिलेगी। तो बिना किसी देरी के हम अभी वृंदावन में प्रवेश करेंगे, और ये आप देख सकते हैं कि हम वृंदावन के बिल्कुल प्रवेश द्वार पर खड़े हुए हैं। यहाँ पर लिखा भी हुआ है मेरो वृंदावन, और ये हाईवे है, आगरा लखनऊ और दिल्ली वाला हाईवे है, आप तो देख सकते हैं। और ये वृंदावन के लिए रास्ता है छटीगरा से, तो यहाँ से आपको सारे के सारे मंदिर दिखाएंगे, और पूरा वृंदावन क्रॉस करते हुए मथुरा के लिए निकलेंगे, तो पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे। तो आप पूरा वीडियो एंजॉय करना और मज़े लेना, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। तो दोस्तों, हम लोग वृंदावन में प्रवेश करने जा रहे हैं, और आप लोग वीडियो को पूरा एंजॉय करना, क्योंकि ये वीडियो इस साल की आखिरी वीडियो है। और बहुत सारे लोग वृंदावन घूमने के लिए कल आ रहे हैं, लेकिन जो लोग नहीं आ सकते हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम पूरा वृंदावन और वृंदावन के सारे मंदिर आपको दिखाएंगे। तो हमारे साथ में आखिरी तक बने रहना, और इस वीडियो को काफ़ी इन्जॉय करना और अपना प्यार देना। तो दोस्तों, हम छटीकरा से निकल चुके हैं वृंदावन की तरफ, और आप लोग देख ही रहे होंगे प्रेम मंदिर से थोड़ा पहले गाड़ियों का प्रवेश वृंदावन में बंद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है 5 जनवरी तक। तो अगर आप खुद की गाड़ी से आ रहे हैं तो ना आएँ, आपके लिए अच्छा होगा। और आप यहाँ से देख सकते हैं मेरे राइट हैंड में, ये वृंदावन में प्रवेश करते हैं तो ये पहला मंदिर पड़ता है, माँ वैष्णो देवी मंदिर, और ये मंदिर भी काफ़ी सुंदर है। तो आप अगर वृंदावन आएँ तो पहले इस मंदिर में दर्शन ज़रूर कर लेना। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी भीड़ है, और ये भी काफ़ी अद्भुत सुंदर मंदिर है यहाँ का। अब हम इस मंदिर से आगे बढ़ते हैं, इस मंदिर का भी वीडियो का पूरा लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप वहाँ से इसको देख सकते हैं। ऐसे ही हम एक एक मंदिर आपको बताते चलेंगे, और उसके वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में देते चलेंगे, तो आप वहाँ से क्लिक करके उस वीडियो को पूरा देख सकते हैं, उस मंदिर के अंदर का कैसा नज़ारा है वो भी देख सकते हैं। तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा खास होने वाला है, और कल वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ होगी, तो हम कल भी आएंगे वीडियो शूट करने के लिए, और कल हम एक प्रॉपर कोई अच्छी सी जगह आपको लेकर के जाएंगे वृंदावन की, जो कि काफ़ी शानदार होगी, और आप मज़े लेंगे हमारे साथ में, आनंद लेंगे वृंदावन धाम का। और ये आप देख सकते हैं प्रियकांत व्यू मंदिर है, इसको हम कमल मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इस मंदिर के वीडियो का लिंक भी हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप इसका भी वीडियो देख सकते हैं। अब यहाँ से हम आगे बढ़ते हैं, ऐसे ही एक एक करके हम आपको सारे मंदिर दिखाएंगे, और ये होगा आपके लिए वृंदावन का सबसे अद्भुत नज़ारा, और हमारी तरफ से नई साल का गिफ्ट। दोस्तों, आप हमारे चैनल को सपोर्ट करें, क्योंकि 2023 में भी हम ऐसे ही आपको अच्छे अच्छे से वीडियो ला करके देंगे, जो कि आप अपने घर बैठे देख सकते हैं, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ आप देख सकते हैं ये वृंदावन का दूसरा प्रवेश द्वार है, हमने इसको भी क्रॉस कर दिया है, और आपको शायद पता होगा कि वृंदावन में एक बहुत ही सुंदर मंदिर बनने जा रहा है, चंद्रोदय मंदिर, जिसका निर्माण अभी चल रहा है। तो आप उस मंदिर को देखेंगे, 2025 तक बन के तैयार होगा, उसका भी वीडियो का लिंक हम आपको डिस्क्रिप्शन में देंगे, कि मंदिर कितना बन चुका है और काम कितना हो चुका है, तो वो भी आप देख सकते हैं। और ये चंद्रोदय मंदिर का प्रवेश द्वार है, आप देख सकते हैं। वैसे यहाँ पर अक्षयधाम मंदिर भी है, तो उसको भी आप देख सकते हैं कल आ करके यहाँ पर, तो ये भी काफ़ी सुंदर होने वाला है, तो इसका भी हम लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, तो आप देख सकते हैं।
ये दूसरा द्वार है अक्षय पात्र का, यहाँ आपको खाना मिलता है फ्री में अक्षय पात्र धाम में। अब यहाँ से आगे हम चलेंगे तो छोटे छोटे बहुत सारे मंदिर मिलेंगे हमें, आश्रम मिलेंगे जहाँ आप ठहर सकते हैं, अब देख सकते हैं। क्योंकि नई साल से पहले यानी कि 25 दिसंबर से लेकर के 5 जनवरी तक वृंदावन में बहुत ज़्यादा भीड़ रहती है, काफ़ी भारी संख्या में यात्री आते हैं और ऐसा अनुमान लगाया गया है कि नई साल पर 10 लाख यात्री यहाँ पर आ सकते हैं। तो आपको मैं मंदिर दिखाते चल रहा हूँ साथ के साथ, और इन मंदिरों के लिंक जो है वो मैं वीडियो के नीचे दे दूंगा आपको, तो आप देख सकते हैं आराम से। तो ये देख सकते हैं आप कितनी सुंदर सुंदर धर्मशालाएं यहाँ पर बनी हुई हैं, इनमें आपको बहुत ही कम प्राइस में रूम मिल जाते हैं, तो आप अगर रूम लेना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर रूम मिल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी धर्मशालाएं हैं जो कि आपके बजट में फिट बैठेंगी। और धर्मशालाओं को अगर आप खोज रहे हैं तो उसका भी वीडियो हमने अपने चैनल पर डाल रखा है, तो आप उनका वीडियो भी देख सकते हैं और चूज़ कर सकते हैं कि आपको कौन सी धर्मशाला रहने के लिए अच्छी रहेगी। तो यहाँ आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पर बैरिकेडिंग लगी हुई है और यहाँ से आगे 4-व्हीलर गाड़ियों का प्रवेश बंद है, बिल्कुल बंद है, यहाँ से आगे कोई भी गाड़ी अंदर नहीं जाएगी। देख सकते हैं आप कि यहाँ पर ट्रैफिक लगा हुआ है, जाम लगा हुआ है यहाँ पे, तो यहाँ से कोई गाड़ी अंदर नहीं जाने वाली है, खाली बाइक यहाँ से अंदर जा सकती है और 3-व्हीलर यहाँ से वाहन अंदर जा सकते हैं, ई रिक्शा, और कोई वाहन यहाँ से अंदर नहीं जाएगा। तो यहाँ से आपको वृंदावन पैदल ही जाना पड़ेगा अगर आप अपने वाहन से आ रहे हैं तो। और हमारे साथ में आज स्वीटी जी और लविका है, घूमने के लिए आई है, और हमारा भी ये साल 2022 का आखिरी वृंदावन भ्रमण होगा, इसके बाद में हम 2023 में ही घूमेंगे और आपको भी घुमाएंगे। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ जाना, क्योंकि हम ऐसे ही वीडियो अपने चैनल पर डालते रहते हैं और आपको वृंदावन मथुरा और बहुत सारे धार्मिक स्थलों के दर्शन करवाते रहते हैं। ये दूसरा बैरिकेडिंग था, यहाँ पर भी बैरिकेडिंग लगा रखा है क्योंकि इधर उधर से वाहनों को घुसा ही लाते हैं लोग बाग, तो यहाँ से भी उनको वापस कर दिया जाएगा, इसलिए चालाकी करने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये कृपालु महाराज जिन्होंने प्रेम मंदिर बनवाया है उनका ये हॉस्पिटल है, यहाँ पर फ्री में इलाज होता है लोगों का, देख सकते हैं आप, ये बहुत बड़ा हॉस्पिटल है यहाँ से यहाँ तक। ये आप देख सकते हैं ये दूसरा द्वार है इसका, यहाँ पर भी बहुत दूर दूर से लोग दवा लेने के लिए आते हैं क्योंकि फ्री में दवा मिलती है। और अब हम प्रेम मंदिर के पास आ चुके हैं और आप यहाँ पर भीड़ देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और कल यहाँ पर इतनी भीड़ हो जाएगी कि यहाँ पर पांव रखने के लिए जगह नहीं मिलेगी। नई साल पर लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आएंगे, वृंदावन घूमने के लिए आएंगे, तो बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाली है, तो आप आ रहे हैं तो थोड़ा सावधानी से आएँ। ये आप देख सकते हैं प्रेम मंदिर, और प्रेम मंदिर के सामने भीड़ कितनी है ये भी देख सकते हैं। और अभी दोपहर का समय है तो प्रेम मंदिर के दरवाजे जो हैं वो बंद हैं, शाम को 4 बजे से दरवाजे यहाँ के खुलेंगे, और कल यहाँ पर बहुत ज़्यादा भीड़ हो जाएगी, वैसे भी लोग बैठे हैं इंतज़ार में दर्शन करने के लिए। और हम लोग इसका भी वीडियो का लिंक जो है प्रेम मंदिर का वो हम आपको नीचे वीडियो के दे देंगे, डिस्क्रिप्शन में आप चेक ज़रूर करना एक बार, वहाँ पर आपको मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना हर जगह के वीडियो आपको देखने के लिए मिलेंगे, काफ़ी सुंदर सुंदर, आपका मन खुश हो जाएगा, एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। और यहाँ देखिए कितनी सुरक्षा व्यवस्था करी गई है, भीड़ को देखते हुए बैरिकेडिंग लगाए गए हैं चारों तरफ से, इधर उधर से कोई ना घुसे। और
पैदल लोग यहाँ पर ज़्यादा चल रहे हैं क्योंकि गाड़ियों का अंदर यहाँ पर प्रवेश नहीं है बिल्कुल भी। लोगों की भीड़ आप देख सकते हैं किस प्रकार से है, और ये जो रोड है ये पूरा, ये रोड सीधे बांके बिहारी टेंपल के लिए गया है। उससे पहले आपको इस्कॉन टेंपल वृंदावन का काफ़ी सुंदर मंदिर है वो देखने के लिए मिलेगा अगर आप सीधे जाओगे तो, और अगर हम सीधे गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिस हो जाएंगी, इसलिए हम सीधे नहीं जाएंगे। और सीधे का हम बता दे रहे हैं आपको कि इस्कॉन टेंपल मिलेगा आपको, और सीधे जाओगे तो बांके बिहारी टेंपल मिलेगा। बाकी उन दोनों मंदिरों का वीडियो का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अभी हम इधर मुड़े हैं, ये रास्ता परिक्रमा मार्ग है, यानी कि अगर आप वृंदावन की परिक्रमा लगाते हो तो इसी रोड पे होकर, ये परिक्रमा मार्ग ही है, इसमें ही हम चल रहे हैं, इसे आपको परिक्रमा लगानी है पूरी की पूरी। और ये परिक्रमा जो आप अटल्ला चुंगी से स्टार्ट करते हो तो अटल्ला चुंगी पे ख़त्म होगी, अगर यहाँ से आप शुरू करते हो तो यहीं पे ख़त्म होगी, पूरा वृंदावन आप घूम लोगे। तो हम चल दिए हैं परिक्रमा मार्ग पर, और एक एक करके आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर देखने के लिए मिलेंगी। आप ऊपर देख सकते हैं क्या क्या चीज़ें हमें आगे देखने के लिए मिलेंगी, ऊपर लिखा हुआ है। और अभी दोपहर का वक्त है तो थोड़ी भीड़ कम है, शाम के टाइम में और ज़्यादा भीड़ हो जाएगी। और बाकी होटल, धर्मशाला, आश्रम यहाँ के फुल हो चुके हैं। ये वृंदावन का काफ़ी फेमस मॉल है, अगर आप यहाँ आते हैं तो शॉपिंग करने के लिए अच्छी बात है, यहाँ पर आप कर सकते हो। आप देख सकते हैं कि लोग पैदल ही यात्रा कर रहे हैं क्योंकि इधर बाहरी जो वाहन है वो अंदर नहीं आ पा रही हैं इस वजह से। और वृंदावन में आपको खाने की तो टेंशन लेनी नहीं है क्योंकि वृंदावन में आपको खाना इस्कॉन टेंपल में फ्री में मिल जाएगा। और एक श्री जी की रसोई चालू हुई है जयपुर मंदिर के सामने, तो उसमें आपको मुफ्त भोजन मिलेगा। बाकी आपको 10 रुपये में एक पेट भर के भोजन मिलेगा। बहुत सारी ऐसी जगह हैं वृंदावन की, तो उनका भी लिंक वीडियो का हम दे देंगे, आप वहाँ पर जा कर के भोजन कर सकते हैं अगर आप वृंदावन में घूमने के लिए आ रहे हो तो। और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर गौशाला बनी हुई है, आश्रम बने हुए हैं। ये वृंदावन का परिक्रमा मार्ग है, लोग यात्रा कर रहे हैं। अब यहाँ से आगे हम जब चलेंगे तो हम यमुना जी के घाटों पर चलेंगे और हम उनके बारे में आपको बताते चलेंगे कि भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ पर कौन सी लीला करी थी, और उसकी पूरी वीडियो आपको नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो लास्ट तक वीडियो में बने रहना दोस्तों, काफ़ी मज़ेदार वीडियो है ये वाली। और 31 दिसंबर आपका, ये समझ लो कि आपको ये लगेगा कि आपने पूरा वृंदावन घूम लिया है घर बैठे। ये देखिए बीच रोड में पेड़ खड़े हैं लेकिन इन्हें काटा नहीं गया है, यही वृंदावन की खूबसूरती है, यहाँ पेड़ों को काटा नहीं जाता है, पेड़ों को लगाया जाता है। दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कालीदेह मंदिर। कालीदेह मंदिर यानी कि यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने कालियानाथ को नाथा था जब वो बॉल खेल रहे थे, तो बॉल यमुना में चली गई थी, तो कालियानाथ को यहाँ पर उन्होंने नाथा था। और यहाँ थोड़ी भीड़ बढ़ जाएगी क्योंकि अभी हम बांके बिहारी मंदिर के आसपास पहुँच चुके हैं, और ये बांके बिहारी मंदिर का दूसरा गेट है। बांके बिहारी मंदिर के 3-4 गेट हैं, आप कोई किसी भी गेट से आप आ सकते हैं। बांके बिहारी मंदिर का भी वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा लिंक, तो आप देख सकते हैं। और ये आप सामने देख सकते हैं, ये मंदिर बहुत पुराना है, इसका पूरा वीडियो हमने अभी बनाया नहीं है,
और इस मंदिर पे बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग भी हो चुकी है, जैसे कि चुप चुप के मूवी आई थी कार्तिक आर्यन की, उसका भी इस मंदिर में शूटिंग हुई है उस मूवी की। इस मंदिर का पूरा वीडियो हम बनाएंगे फुर्सत में कभी। ये वृंदावन का सबसे पुराना मंदिर माना जाता है और इस मंदिर के पीछे जो कहानी है काफ़ी अद्भुत है, तो उसका भी हम संपूर्ण विश्लेषण करेंगे अगले वीडियो में। और यहाँ ऊपर देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है कि ये बांकी बिहारी टेम्पल के रास्ता गया है यहाँ से। और यहाँ जूता घर वगैरह बने हुए हैं, तो जूता वगैरह आप यहाँ पर जमा करवा सकते हैं। और ये है वृंदावन बांके बिहारी लाल का प्रवेश द्वार, यहाँ से आप प्रवेश करेंगे अंदर बिहारी जी मंदिर के लिए। और भी बहुत सारे गेट हैं वैसे तो, पर ये प्रमुख द्वार है और इस पर भीड़ भी ज़्यादा रहती है, लेकिन ये आपके लिए सही रहेगा क्योंकि थोड़ा बड़ा पड़ जाता है ये रास्ता। अब यहाँ से आगे हम जाएंगे तो हमको घाट मिलेंगे जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने बहुत सारी लीलाएँ करी थी, तो वो लीला स्थली है हम आपको दिखाएंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। और उनका जो वीडियो है पूरा का पूरा आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखने के लिए मिलेगा, तो आप डिस्क्रिप्शन को एक बार चेक ज़रूर करना दोस्तों। अब हम आगे बढ़ चुके हैं और बेलवन का मेला लगा हुआ है। बेलवन में वहाँ की अद्भुत कहानी है, लक्ष्मी माता का मंदिर है बहुत ही अद्भुत, तो उसका भी वीडियो हम बना चुके हैं, तो आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं, उसका लिंक भी हम नीचे दे देंगे। वहाँ पर भी बहुत अच्छी लीला भगवान श्री कृष्ण ने और लक्ष्मी मैया द्वारा रचाई गई थी, तो उसकी कहानी भी आप जान सकते हैं। ये छोटे छोटे से कुंड बने हुए हैं इधर, आप यहाँ देख सकते हैं यमुना जी आ चुकी है, देखिए आप। इस जगह को बोलते हैं सिंगार घाट, यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने राधा जी का सिंगार किया था इस घाट पर। ये देखिए ये है सिंगार घाट, और यहाँ आप नाव में बैठकर भी वृंदावन का दीदार कर सकते हैं। ये देखिए ये गोविंद घाट है, यहाँ पर जमुना जी के किनारे ऐसे ही आपको घाट मिलेंगे, और हर घाट की अपनी एक कहानी है। और ये चीर घाट है, आप इधर देख सकते हैं, इसका भी हमने वीडियो पूरा बना रखा है। यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों के वस्त्र हरण करे थे जब वो स्नान कर रही थी, चीर चुराए थे, तो इस जगह का नाम चीर घाट है। और ये भी काफ़ी प्रमुख जगह है वृंदावन की। आप यहाँ पर भी आ सकते हैं दोस्तों, आप यहाँ देख सकते हैं ये जमुना जी का दर्शन आप कर सकते हैं, अद्भुत दृश्य है जमुना जी का, ये देखिए यहाँ से। और यहाँ से आगे अभी थोड़ी देर में बढ़ेंगे हम, इस जगह को चीर घाट कहते हैं। और ये भी परिक्रमा मार्ग में पड़ता है, देख सकते हैं आप यहाँ का अद्भुत नज़ारा, देखिए। तो अब हम निकल चुके हैं केसी घाट के लिए, और यमुना जी के किनारे पर वो बड़ा सा घाट बना हुआ है, इस वजह से उधर से हम नहीं निकल सकते थे। तो ये थोड़ी कुंज गलियां हैं वृंदावन की, तो यहाँ से हमको निकलना पड़ेगा, और आपको भी ये गलियां देख लेनी चाहिए, छोटी छोटी गलियां हैं, कभी इन गलियों में भगवान कृष्ण ने रासलीला रचाई थी।
तो आप भी दर्शन करिए इन गलियों के। थोड़ी सी भीड़ मिलेगी इस गलियों में। और ये हम आ गए हैं अभी फिलहाल निधिवन पर। ये निधिवन है और ये निधिवन का प्रवेश द्वार है ये वाला, आप देख सकते हैं ये सामने दिख रहा है आपको, एक पुराना फाटक है निधिवन का। तो आप अगर यहाँ पर आते हैं तो निधिवन आप ज़रूर देखें, क्योंकि ये वृंदावन की सबसे अद्भुत जगह है। ऐसा माना जाता है कि हर रात भगवान श्री कृष्ण यहाँ पर जो है लीला करते हैं आकर के, और शाम को यहाँ गेट बंद हो जाता है बिल्कुल। यहाँ पर ये दूसरा गेट है निधिवन का, यहाँ से आगे जाना है क्योंकि यहाँ पर बहुत ज़्यादा जाम लगा हुआ है। और ये निधिवन का ही दीवार है, ये पूरी ऊँची हो गई है, पहले ये नीची थी तो लोग देख लेते थे। तो रात के समय पे यहाँ जाना बिल्कुल भी अलाउ नहीं है, रात में यहाँ पर कोई नहीं जा सकता है। ये श्री राधा रमण जी का मंदिर है सामने, आप देख सकते हैं ये भी काफ़ी पुराना यहाँ का मंदिर है। हाँ तो हम निकल चुके हैं फाइनली यहाँ से। तो निधिवन का भी आपको वीडियो हमारे चैनल पर ही देखने के लिए मिलेगा, उसका लिंक भी हम आपको दे देंगे, तो आप वो वीडियो भी देख सकते हैं जा करके। तो अब हम यहाँ से निकल रहे हैं आगे। हाँ जी तो चलते हैं हम। तो ये देखिए कितनी पतली पतली रास्ता है केसी घाट के लिए। अब हम केसी घाट आ चुके हैं, इसका वीडियो भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा देखने के लिए। और ये भी काफी अच्छी जगह है, यहाँ पर भी आप नाव में बैठ के भ्रमण कर सकते हैं। और अब हम चलते हैं परिक्रमा मार्ग में। केसी घाट पर भगवान श्री कृष्ण ने केसी नामक एक राक्षस था जो उन्हें मारने के लिए आया था, उसका वध किया था, उसी के नाम पर यहाँ इस घाट का नाम केसी घाट पड़ गया है। और ये आप देख सकते हैं ये सुधामा कुटी मार्ग है, यहाँ पर एक सुधामा कुटी है, वृद्धा आश्रम है, वो महिलाओं के लिए है। और आप देख सकते हैं आगे क्या क्या पढ़ने वाला है। अभी हम परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं और यहाँ पे छोटे मोटे बहुत सारे आश्रम हैं। अगर आप वृंदावन घूमने आ रहे हो तो आश्रम तलाशने की ज़रूरत नहीं है आपको, कहीं पे भी आप पूछोगे ना कि बढ़िया आश्रम कहाँ है तो कोई भी आपको यहाँ पर बता देगा। देखिए यहाँ पर भी है, तो आश्रम रहने की व्यवस्था आपको यहाँ पर ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत सारी जगह ऐसी हैं। और ये वृंदावन का मुख्य धाम है। और जैसे कि मैंने पहले आपको बताया था कि वृंदावन में खाने की क्या व्यवस्था है, तो खाने की व्यवस्था आगे अभी मैं आपको बताऊंगा। एक रसोई है श्री जी की रसोई, उसको जगन्नाथ रसोई भी कहते हैं, श्री जी की रसोई भी है। ऐसी सुविधाएं दो जगह पर हैं वृंदावन में, एक तो श्री जी की रसोई है जो कि जयपुर मंदिर के सामने बनी हुई है, और एक जगन्नाथ रसोई है जो कि अभी आगे पड़ेगी। यहाँ पर आपको 20 रुपये में भरपेट भोजन मिल जाएगा, कितना भी आप खा सकते हैं, जितना आप खा सकते हैं। और श्री जी की रसोई में भी आपको भरपेट भोजन मिलेगा, लेकिन वहाँ बिल्कुल आपको मुफ्त में मिलेगा, वहाँ आपसे कोई चार्ज नहीं किया जाएगा। ये सुधामा कुटी है आप देख सकते हैं यहाँ पर, और जगन्नाथ जी का मंदिर भी है यहाँ पर, तो यहाँ आप आ सकते हैं, ये भी देखने लायक जगह है काफ़ी। और यहीं पे आपको वो रसोई मिलेगी जहाँ पर आपको खाना मिलेगा, सुधामा कुटी के पास ही।
और एक वृंदावन में रंग जी का मंदिर और है, वहाँ पर वैकुंठ द्वार खुलेगा 2 तारीख को, 2 जनवरी को सुबह 5 बजे 5:30 बजे। तो आप अगर वहाँ पर भी विजिट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, वो काफ़ी अद्भुत नज़ारा होता है। यहाँ पर बहुत सारी छोटी मोटी गौशाला भी हैं, तो अगर आप थोड़ी सेवा करना चाहते हैं गायों की तो आप यहाँ पर आकर के कर सकते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे आश्रम भी हैं, गौरी गोपाल आश्रम, तटिया आश्रम और बाबा नीव करौली आश्रम, बहुत सारे आश्रम हैं यहाँ पर। तो जैसे कि लोग गुरु बनाते हैं तो आप यहाँ पर गुरु भी बना सकते हैं, गुरु दीक्षा भी ले सकते हैं। ये देखिए आप, भक्ति निवास है, यहाँ पर आपको रूम अवेलेबल हो जाएंगे बहुत ही कम प्राइस में। वैसे आज हमने आपको परिक्रमा लगवा दिया है वृंदावन का, क्योंकि हम प्रॉपर परिक्रमा मार्ग में ही चल रहे हैं, अब तक हम परिक्रमा मार्ग में ही चलते हुए आए हैं। पूरा वृंदावन हमने लगभग आपको घुमा दिया है, और वृंदावन के बीच में वैसे एक दो मंदिर हैं ऐसे, जैसे कि जयपुर मंदिर हो गया, कांच का मंदिर हो गया, और भी बहुत सारे मंदिर हैं जो बीच में हैं, वहाँ पर हम नहीं जा सकते हैं क्योंकि हम वृंदावन को परिक्रमा मार्ग में चल रहे हैं। तो उनके वीडियो का लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप डिस्क्रिप्शन चेक करोगे तो वहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाले हैं, और ये वीडियो आप शेयर ज़रूर करना, क्योंकि ये भी एक पुण्य का काम है, और आप शेयर करोगे तो लोग देखेंगे तो घर बैठे वृंदावन के दर्शन कर पाएंगे, तो ये भी एक पुण्य का काम है, और इस पुण्य के काम में आप ज़रूर भाग लें। वीडियो को लाइक ज़रूर किया करें दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करा करें, और 2-3 लोगों के पास और भेज दिया करें ताकि वो भी सब्सक्राइब करें और हमसे जुड़ जाएं, क्योंकि ऐसे वीडियो हम लाते रहते हैं अपने चैनल पर। ये रोड थोड़ा बिजी रहता है क्योंकि वाहन बहुत ज़्यादा चलते हैं इधर। ये देखिए बुजुर्ग लोग भी हैं, वो भी परिक्रमा लगा रहे हैं वृंदावन की। हमने आपको वृंदावन की घर बैठे परिक्रमा लगवा दी और दर्शन करवा दिए वृंदावन के। वीडियो को लाइक ज़रूर करना। और यहाँ से अगर आप लेफ्ट लोगे तो एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे के लिए आपको यहाँ से रास्ता मिलेगी। अगर आप एक्सप्रेसवे पे होके आएंगे तो इस वाले रोड से आपको प्रवेश मिलेगा, आप देख सकते हैं। और अब अभी हम जो चल रहे हैं, अभी हम जाएंगे मथला वाले रोड पे, यानी कि अटल्ला चुंगी से आप वृंदावन के लिए अंदर भी जा सकते हैं, वृंदावन मार्केट देख सकते हैं, और भी वृंदावन में बहुत सारी चीज़ें हैं देखने के लिए, तो वो देख सकते हैं। और बाकी हम वहाँ से लेफ्ट लेंगे तो वो हम मथुरा वाले रोड पर पहुँच जाएंगे, यानी मथुरा के लिए जो रोड जा रहा है। और ये आपको देख सकते हैं, ये छोटे छोटे से मकान से बने हुए हैं, ये दरअसल आश्रम है, यहाँ पर आप रूम ले सकते हैं। फैमिली के साथ अगर आते हैं आप तो यहाँ पर आपको आसानी से रूम मिल जाएगा। अनमैरिड कपल्स के लिए थोड़ा रूम मिलने में यहाँ पर दिक्कत होती है, उनको तो होटल ही लेना पड़ेगा। धर्मशाला और आश्रम ओनली फैमिली के लिए होते हैं, और बुजुर्ग जो होते हैं उनके लिए यहाँ विशेष प्रेफरेंस दिया जाता है, बुजुर्ग होते हैं जो उनके लिए। और ये सफ़र लगभग हमारा 30 से 35 किलोमीटर का होने वाला है, तो आधे से ज़्यादा सफ़र जो है हमने कर लिया है, अभी थोड़ा सा सफ़र हमारा बाकी है। और ये माँ चामुंडा का मंदिर है, बहुत प्राचीन, सामने आप देख सकते हैं, तो उसके भी आप दर्शन करें वृंदावन आए घूमने के लिए। तो वीडियो को पूरा देखना और शेयर ज़रूर कर देना सबके पास में वीडियो को, और वीडियो का डिस्क्रिप्शन एक बार ज़रूर चेक करना, क्योंकि वहाँ पर आपको सारी वीडियो मिलेंगी जहाँ जहाँ भगवान श्री कृष्ण ने लीला करी है, उन सब जगह की वीडियो कहानी के साथ में आपको मिलेगी देखने के लिए। तो आप ज़रूर एक बार डिस्क्रिप्शन चेक करें, आपको बहुत सारी वीडियो वहाँ देखने के लिए मिलेंगी। हमारे चैनल को सपोर्ट ज़रूर करें दोस्तों। यहाँ आप देख सकते हैं, ये जो आश्रम आपको दिख रहा है ये बाबा नीव करौली का आश्रम है,
देखिए, और ये बाबा बहुत बड़े बड़े सेलिब्रिटी हैं ना, उनके गुरु हैं, जैसे विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, फेसबुक के सीईओ, गूगल के सीईओ, बहुत ही बड़े बड़े लोगों के ये गुरु हैं और इनके आश्रम में विजिट करते हैं जा कर के। तो यहाँ पर भी आप आ सकते हैं, अगर आना चाहें तो आश्रम में थोड़ा विजिट करें। व्यक्ति है, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। कुछ खाओगी स्वीटी जी? क्या खाओगी बताओ? तो दोस्तों, अभी हम यहाँ आ गए हैं राम स्वीट्स, और यहाँ पर फास्ट फूड भी अच्छा मिल जाता है, तो हम यहाँ पर अभी कुछ खाएंगे, उसके बाद आगे का जो सफ़र है वो जारी रखेंगे। मैं हर बार यहीं पर आकर के खाता हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है यहाँ पर खाना। तो अभी बैठ लेते हैं, इधर ही बैठ लो सूटी, अंदर बैठोगी? अंदर बैठ लो, नहीं तो यहीं बैठ लो। तो फिलहाल तो बादाम मिल्क पीते हैं, कुल्लड़ वाला, और छोले भटूरे अभी ऑर्डर किया है, छोले भटूरे। और ये स्वीटी जी इंतज़ार कर रही हैं छोले भटूरे खाने का, और मैं यहीं पर खा के जाता हूँ हर बार, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी टेस्टी मिलता है खाने के लिए। अभी कुल्लड़ वाला दूध पियेंगे, छोले भटूरे खाएंगे, फिर यहाँ से आगे का जो सफ़र है वो हम जारी रखेंगे। तो फाइनली छोले भटूरे भी आ चुके हैं हमारे, और ये देखिए लविका और लविका की मम्मी लविका भी अपना खाना खा रही है। खाना क्या उसका खाना, तो अभी दूध ही है, दूध पी रही है वो, दूध में बहुत करती है ये। देखिए अभी ख़त्म करके, यहाँ से फिनिश करके ये सब, फिर हम आगे की जो यात्रा है उसको जारी रखेंगे। देखिए फाइनली खाना खा लिया है, अब यहाँ से निकलते हैं हम, और इसको रेटिंग दूंगा मैं 5 में से 4, क्योंकि काफ़ी अच्छा खाना है यहाँ का। तो आप भी वृंदावन आए तो यहाँ पर ज़रूर खा सकते हैं, श्री राम स्वीट्स के नाम से है ये। और हम आ चुके हैं अटल्ला चुंगी, इस जगह को हम अटल्ला चुंगी बोलते हैं। यहाँ से अगर हम राइट में लेंगे, हम राइट हैंड पर जाएंगे तो वृंदावन अंदर चले जाएंगे, अंदर के लिए जाएंगे, और कांच मंदिर, जयपुर मंदिर और बहुत सारी धर्मशालाएँ आपको मिलेंगी। और सीधे ये परिक्रमा मार्ग है, सीधे जाएंगे तो परिक्रमा मार्ग जा सकते हैं। और अब हम मुड़ चुके हैं मथुरा की तरफ, ये रोड जो है मथुरा की तरफ गया है, और हम भी मथुरा की तरफ ही जा रहे हैं। रास्ते में पड़ने वाली कुछ प्रमुख चीज़ें, जगह हैं, उनको बताएंगे हम आपको। तो अभी इस वीडियो को ख़त्म ना समझें, अभी मथुरा तक चलना है हमको, उसके बाद में आप वीडियो को छोड़ सकते हैं, लेकिन वीडियो को लाइक करना है और शेयर करना है सबके पास, फैमिली और फ्रेंड्स के पास। और सबसे महत्वपूर्ण चीज़, चैनल को सब्सक्राइब करना है और घंटी वाला आइकन बजा देना है। ये हमारे लिए आपकी तरफ से एक न्यू ईयर का गिफ्ट होना चाहिए, तो इतना सपोर्ट तो आप लोग कर ही सकते हैं। इसी रोड पर मथुरा वाले पर बहुत सारे प्रमुख हॉस्पिटल हैं, ऐसे टीबी का हॉस्पिटल है, आँखों का हॉस्पिटल है, जहाँ पर आपको कम प्राइस में आपका इलाज हो जाता है, और काफ़ी दूर दूर से लोग यहाँ पर इलाज कराने के लिए आते हैं। और इसी रोड पर आगे एक बहुत ही वृंदावन का फेमस हॉस्पिटल भी है, राम कृष्ण मिशन नाम से, कारेबाहू बोलते हैं उसे यहाँ की लोकल भाषा में। और यहाँ से आप राइट में जाएंगे तो ये प्रेम मंदिर के लिए शॉर्ट रास्ता है, अगर मथुरा से आप जा रहे हो वृंदावन प्रेम मंदिर घूमने, तो ये इधर की साइड, ये 100 फुटा रोड है, ये सीधे प्रेम मंदिर के लिए निकलता है, और यहीं से आप छठीग्रह के लिए भी निकल सकते हैं। यहाँ देखिए कितना जाम लगा हुआ है गाड़ियों का, और इधर हम मुड़े हैं, ये रोड सीधे यमुना एक्सप्रेस वे के लिए गया है, यमुना एक्सप्रेस वे। अगर आप वहाँ से आते हो तो इसी रोड से आप वृंदावन में प्रवेश पा पाएंगे, लेकिन जो आपकी गाड़ी है वो अंदर नहीं जा पाएगी, क्योंकि यहाँ से आगे गाड़ियों का प्रवेश जो है वो बंद है बिल्कुल। और ये पर्यटक सुविधा केंद्र है, यहाँ पर खाना आपको गाड़ियाँ खड़ी कर सकते हैं, रूम वगैरह भी अवेलेबल हैं, तो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मिल जाती हैं, पर्यटक सुविधा केंद्र। ये इसका प्रॉपर वीडियो हम लाएंगे बहुत जल्दी अपने चैनल पर ही। तो
चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। और जो मैं हॉस्पिटल आपको बता रहा था वो ये वाला हॉस्पिटल है, यहाँ पर मुफ्त में इलाज होता है सबका। और यहाँ से ये बैरिकेडिंग लगा के बंद कर रखा है, इसलिए हमें घूम के आना पड़ा है, मथुरा की तरफ जाना है हमें। मेरे राइट हैंड पर ये है पागल बाबा का मंदिर, ये देखिए, ये भी काफ़ी वृंदावन का फेमस मंदिर है। और इसका भी वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो इसको भी आप पूरा वीडियो देख सकते हैं मंदिर का, तो आप एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक कर लेना। और अब हम निकल चुके हैं मथुरा की तरफ वृंदावन से, और यहाँ पर ये ITI का कॉलेज है और RTO भी आ गया है, यहाँ पर नया ITO बन गया है, यानी लाइसेंस वगैरह, ड्राइविंग लाइसेंस वगैरह यहीं पर बनते हैं, रिन्यू होते हैं। अब हम मथुरा की तरफ निकल चुके हैं। वृंदावन और मथुरा की दूरी लगभग 9 किलोमीटर है, तो आप अगर जंक्शन से आते हो वृंदावन के लिए तो आपको 20 रुपये ऑटो का किराया देना पड़ेगा। और अभी हमने एक धर्मशाला का वीडियो अपलोड किया है जो कि काफ़ी अच्छी धर्मशाला है, बिरला धर्मशाला, वहाँ आपको 150 रुपये से लेकर के 800 रुपये तक का रूम अच्छा आपको मिल जाएगा, अवेलेबल होगा रहने के लिए, अच्छी जगह है। उसके सामने ही बिरला मंदिर है, उसका भी हमने अभी वीडियो लेटेस्ट में डाला है, तो चैनल पर विजिट करोगे तो आप देख पाओगे। ऐसे ही बहुत सारे वीडियो हमारे चैनल पर पड़े हुए हैं, 500 से ज़्यादा हमने वीडियो अपने चैनल पर अपलोड किए हैं जो कि आपको देखने में अच्छे लगेंगे। शॉर्ट वीडियो भी हम बनाते हैं जो कि लोग स्टेटस लगा सकते हैं अपने व्हाट्सएप पे, तो उस तरह के भी हम वीडियो अपने चैनल पर अपलोड करते रहते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं समृद्ध गुरुकुल, ये काफ़ी अच्छा स्कूल है, यहाँ का लड़कियों के लिए है ये, और काफ़ी अच्छा स्कूल है, यहाँ की रैंक भी काफ़ी अच्छी आती है, बच्चे यहाँ से पढ़ते हैं, लड़कियों के लिए है खासकर ये, और एक नवोदय की तरह ही है, यहाँ पर एक टेस्ट होता है, उसके बाद में अगर क्वालिफाई करते हैं तो यहाँ पर रह करके आप पढ़ाई करवा सकते हैं अपनी बच्चियों की। ये दोस्तों मथुरा में भी जो मंदिर हैं, एक तो श्री कृष्ण जन्म स्थान है और एक द्वारकाधीश का मंदिर है, तो ये दो प्रमुख मंदिर हैं मथुरा में। बाकी अगर आप गोकुल में जाएंगे तो वहाँ पर भी आपको मंदिर मिलेंगे, गोकुल से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो रमन रेती है, और उससे भी थोड़ा आगे चलेंगे तो चिंताहरण महादेव का मंदिर भी है। तो आप अगर एक बार मथुरा आते हैं तो आप कम से कम 7 दिन का वक्त निकाल करके आएँ, तब आप अच्छे से सारे मंदिर विजिट कर पाएंगे और काफ़ी आनंद भी आएगा आपको। मथुरा से बरसाना लगभग 40 किलोमीटर बैठेगा और गोवर्धन लगभग 25 किलोमीटर बैठेगा, तो ये जगह भी आप घूम सकते हैं, ये भी भगवान श्री कृष्ण से रिलेटेड हैं। लेकिन हम अपने चैनल पर इन सब जगह के वीडियो बना के अपलोड कर चुके हैं, आप लोग देख सकते हैं जा करके, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में चेक करेंगे तो आपको सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे बिना किसी समस्या के। प्ले लिस्ट में जाएंगे हमारे चैनल की में, मथुरा वृंदावन ब्लॉग नाम से एक प्ले लिस्ट बना रखा है हमने, उस प्ले लिस्ट को आप अगर चेक करेंगे तो उसमें आपको मथुरा वृंदावन गोकुल बरसाना हर जगह के आपको वीडियो मिलेंगे, करीब 200 से ज़्यादा जगह के वीडियो हमने बना रखे हैं। तो एक बार आप प्ले लिस्ट विजिट करेंगे तो आपको सारे के सारे वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगे एक साथ, बिना किसी टेंशन के, बिना किसी कहीं ढूंढे। तो इस वीडियो को हम इधर ही ख़त्म करेंगे दोस्तों, मिलते हैं नए वीडियो में। राधे राधे, जय श्री कृष्णा, और नव वर्ष की हमारी तरफ से आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। 2022 की तरह 2023 भी काफ़ी अच्छे से गुजरे। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।